नमस्कार, पंचायती टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी। CIA ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कुछ संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इन्हें धार्मिक उग्रवादी कहा गया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को धार्मिक उग्रवादी संगठन कहा है तथा RSS को राष्ट्रवादी संगठन बताया है। CIA के फैक्ट बुक में बिहिप और बजरंग दल के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी उल्लेख है। इसी सूची में कश्मीर के संगठन ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस को एक अलगाववादी समूह बताया गया है। इसी के तहत जमीयत उलेमा हिंद को धार्मिक संगठन बताया गया है। CIA के इस रिपोर्ट के बाद विश्व हिंदू परिषद ने तुरंत इस पे अपना जवाब दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर CIA अपनी ये रिपोर्ट या अपना ये बयान अगर वापस नहीं लेता तो वो विश्वव्यापी आंदोलन करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि CIA द्वारा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को उग्रवादी धार्मिक संगठन घोषित करना आपत्तिजनक तथा अपमानजनक तथ्यों पर आधारित है। ये संगठन पूर्ण रूप से देशभक्त है तथा इसकी गतिविधियां राष्ट्र को समर्पित हैं। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने आज कहा कि 60,000 से अधिक एकल विद्यालय तथा 1,000 से अधिक अन्य सेवा कार्य करने हेतु विश्व हिंदू परिषद देश के समग्र विकास के लिए समर्पित है। देश हित और हिंदू हितों के साथ संगठन कभी समझौता नहीं करेगा। इन सब तथ्यों की जानकारी CIO को न हो यह संभव नहीं है। इसके बावजूद अगर अनलगर आरोप लगाया जा रहा है तो यह निंदनीय है। बिहिप के संयुक्त महासचिव ने यह भी कहा कि CIA के भारत विरोधी मानसिकता का उसकी कथित फैक्ट बुक में छपे भारत के मानचित्र से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने गुलाम कश्मीर के अलावा कश्मीर के भी कुछ अन्य हिस्सों को पाकिस्तान में दिखाया है। यह घोर आपत्तिजनक तथा अपमानजनक बात है। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों हम फेसबुक और यूट्यूब के जरिए आप तक पहुंचाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।